हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रीटम यानी रीट मेंस के लिए पेपर नंबर 12 है। पहला प्रश्न, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामानंद, आचार्य तुलसी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर क्या होगा, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था आचार्य तुलसी ने। आचार्य तुलसी ये जैन धर्म की जो श्वेतांबर शाखा है उसके 13 पंथ शाखा के प्रखर संत माने गए हैं। और इन्होंने जो अणुव्रत आंदोलन है इसकी शुरुआत कब करी थी, तो 1949 में, यानी हमारी आज़ादी के 2 साल बाद में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कर दिया था। कहाँ से किया था, तो जो अपने चुरू जिले में एक कस्बा है सरदार शहर, वहाँ से इस आंदोलन का सूत्रपात किया था, इस आंदोलन की नींव रखी थी। अणु क्या होता है, अणु का मतलब होता है छोटा सा, सूक्ष्म, परमाणु अणु, उसी तरह से समझ सकते हो। तो आचार्य तुलसी क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि अगर हम जीवन में छोटा सा व्रत लें और उस व्रत का पूरी निष्ठा से पालन करें तो आप ही नहीं, आपका परिवार और आपके आसपास वाले लोगों का जीवन भी बदल सकता है। ये बात जितनी सुनने में सरल लग रही है ना, ये विशाल क्रांतिकारी परिवर्तन करने में भी सक्षम है। और हम सभी इस व्रत को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो कह सकते हैं अणुव्रत आंदोलन 1949 में आचार्य तुलसी द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जाबरमल शर्मा की नहीं है? सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, और बीकानेर का इतिहास। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बीकानेर का इतिहास है वह जाबरमल शर्मा की नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हो जाता है कि सीकर का इतिहास किताब जाबरमल शर्मा जी ने लिखी है, बिल्कुल लिखी है। खेतड़ी का इतिहास भी जाबरमल शर्मा साहब ने लिखी है, बिल्कुल लिखी है। इसके बाद में खेतड़ी नरेश और विवेकानंद ये किताब भी किसने लिखी है, ये भी जाबरमल शर्मा साहब ने लिखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं, जाबरमल शर्मा साहब है, इन्होंने पत्रकारिता का विश्व पितामह तो कहते ही हैं, साथ ही साथ ये इन्होंने कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की स्थापना करी थी। कब? कलकत्ता में करी थी, 1914 में करी थी, और कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, ये बात तो एक होगी। क्या किस तरह से उन्होंने कार्य किया, तो शर्मा जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ने शर्मा जी को क्या कहा, मतलब जो जाबरमल शर्मा साहब है इनको क्या कहा, कि अधिक गड़बड़ी करने वाले मारवाड़ियों को वहीं भेज देंगे जहां से वो आए हैं। मतलब इन्होंने जाबरमल शर्मा जी को एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव मान लिया, किसका, मारवाड़ियों का, किसने, जो गवर्नर था उसने। तो उन्होंने, शर्मा साहब ने बाद में क्या कहा, वो उसे डरे नहीं, जाबरमल शर्मा जी ने कहा कि, उन्होंने बाद में एक लेख लिखा और लेख का नाम था गवर्नर का गुस्सा, इस नाम से लेख लिखा। बाद में अंग्रेजों ने फिर से गुस्सा आ गया तो 2000 रुपये की जमानत मांग ली। कंपनी के डायरेक्टरों ने निर्णय लिया कि जमानत देकर पत्र नहीं निकालेंगे, प्रकाशन भी बंद कर दिया गया। बाद में वापिस उन्होंने, लेकिन रुके नहीं हुए वहीं, वो उन्होंने बाद में समाचार, कलकत्ता समाचार का प्रकाशन बाद में पुनः शुरू कर दिया और बाद में इस पत्र का लगातार संपादन करते रहे। इस प्रकार अगर एक बात मारवाड़ियों को कहीं अड़ा देते हो ना, तो वही अब मतलब छोड़ेंगे नहीं, ये मान के रखो आप। तो इसी बात को, इसी हमारी जो अच्छी पॉजिटिव बात है ना, उसी को आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न में चलते हैं। गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? तो सबसे पहले बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ पे है, गंगानगर में है, और इसका निर्माण किसकी देखरेख में हुआ, महंत सिंह, फतेह सिंह, चरण सिंह या नारायण सिंह? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है श्री गंगानगर में, उसका निर्माण फतेह सिंह जी की देखरेख में हुआ था। और ये हमारे सामने जो गुरुद्वारा साहिब बुड्ढा जोहड़ जी है उनका चित्र हमारे समक्ष है, क्या शानदार मतलब बना हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर कहाँ पे, मंडावा में, नवलगढ़ में, खेतड़ी में या फतेहपुर में? तो इसका आंसर होगा जो नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर है वो कहाँ पे है, वो है फतेहपुर में, सीकर जिले में, जो एक तहसील कह सकते हैं या पंचायत समिति कह सकते हैं फतेहपुर, वहां पे नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर है। और आप इसकी झलक देखना चाहते हो, बिल्कुल देख सकते हो। तो हमारे सामने जो चित्र दिख रहा है ये किसका है, ये नादिल्ला प्रिंस कल्चरल सेंटर का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयपुर स्थित हवा महल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका निर्माण 1799 में हुआ, इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ताजी थे, इसमें राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का प्रभाव है, या फिर ये 9 मंजिला है? तो देखो इसका जो चौथा कथन है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 मंजिल नहीं, इसमें 5 ही मंजिल है, ठीक है। इसका निर्माण 1799 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसका जो डिजाइन वास्तुकार है वो लालचंद उस्ताद साहब थे, ये बात भी सत्य है।
और इसका निर्माण कौन से शैली में हुआ है, तो मुगल शैली और राजस्थानी वास्तु शैली, इन दोनों का मिश्रण प्रभाव इसमें है। तो इसमें कौन कौन सी पांच मंजिल है, तो देखो सबसे नीचे की जो मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर, सबसे नीचे की मंजिल शरद मंदिर, उसके ऊपर है रत्न मंदिर, शरद सबसे पहले, उसके बाद में रत्न, तीसरे नंबर की विचित्र, चौथे नंबर पे सूर्य भगवान दिख जाते हैं, और पांचवे जो मंजिल है वहां पे हवा मंदिर कहते हैं। तो पहले को शरद, लास्ट को हवा मंदिर और बीच को विचित्र मंदिर, ठीक है, याद हो गया। निर्माण 1799 में, डिजाइन वास्तुकार लाल चंद जी उस्ता साहब थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, हैदराबाद के निजाम ने, शाहजहां ने, मोहम्मद खिलजी ने, अकबर ने। तो ख्वाजा साहब की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया, मोहम्मद खिलजी ने करवाया। तो ऑप्शन राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देवियान, देवियान एक किताब है, वो किसने लिखी है, नागरी दास जी ने, नरहरी दास ने, खेता ने, या ईश्वर दास ने। तो जो देवियान नाम की किताब है, ये बुक है, ये ईश्वर दास जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, ईश्वर दास जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रूप सिंह जी शेखावत कौन से नृत्य के कलाकार है, जो रूप सिंह जी शेखावत साहब है वो एक नृत्य करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, वालर, या भवाई नृत्य। तो रूप सिंह जी शेखावत साहब है वो भवाई नृत्य के नृत्यकार है, कौन से नृत्य के, भवाई नृत्य के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख कौन से गीत में मिलता है, यानी एक गीत गाया जाता है और उस गीत में मतलब क्या कहा जाता है कि जो वधू पक्ष की स्त्रियां हैं और बारात आ गई है, उस बारात को देखने के लिए जा रही है, इस प्रकार की बातें जिस गीत में मतलब वर्णित है वो कौन सा गीत है, जला, बन्ना, काकन डोलडा, या तोरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो जला गीत है ना उसमें वधू पक्ष की जो स्त्रियां है ना वो बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इस गीत में इस प्रकार के बातें करी गई है। हल्दी, घोड़ी और हथलेवा, क्या, एक तो हल्दी, एक घोड़ी और एक हथलेवा, क्या है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, लोक गीत है, या वाद्य यंत्र है। तो हल्दी, घोड़ी और हथलेवा क्या है, ये लोक गीत है, क्या कहलाते हैं, तो इस नाम से लोक गीत प्रचलन में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, चांद बावड़ी, आबेनरी दोसा, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, या रानी जी का बावड़ी दोसा। तो इसका आंसर है जो रानी जी की बावड़ी दोसा है ना, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है, रानी जी की बावड़ी है भाई साहब बूंदी में, कहाँ पे, बूंदी जिले में है, ना कि दोसा जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है ये बताना था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो हमें पता है जो चांद बावड़ी कहाँ पे है, तो चांद बावड़ी तो आबानेरी दोसा में है, ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, बिल्कुल सही है, और नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है ही, ठीक है, इसका मतलब रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल मुलान स्कूल LRE को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जितने भी हमारे पेपर हमने अब तक करवाए हैं और जो आगे करवाएंगे उस संबंध में जितने भी PDF होंगे हम वहाँ चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और Telegram चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नटानियों की हवेली कहाँ पे है, सीकर में, जयपुर में, टोंक में, चूरू में। तो जो नटानियों की हवेली है वो कहाँ पे है, वो अपने जयपुर शहर में, कहाँ पे, जयपुर जिले में है नटानियों की हवेली। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ देख लेते हैं। बीकानेर जिले की कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, तो एक तो देखो कोठारी हवेली है ना वो बीकानेर में है, कोठारी हवेली बीकानेर में, कौन सी हवेली, कोठारी हवेली बीकानेर में। फिर मोहता की हवेली, मोहता की हवेली कहते हैं ना मोहता है ना, वो किस कहाँ पे, वो भी बीकानेर में। डागा की हवेली भी बीकानेर में, मोहता की हवेली बीकानेर में, डागा की हवेली बीकानेर में, बछावतों की हवेली भी बीकानेर में है, ठीक है। और बीकानेर जिले की जो हवेलियां हैं उनका अधिकांश का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। रामपुरिया हवेलियां बीकानेर
मुगल हिंदू और यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय है। तो रामपुरिया हवेली भी कहाँ होगी? बीकानेर में होगी। तो बीकानेर की हवेली एक बार फिर से आप बता दो, कोठारी की आपने बता दी, मोहता हवेली भी आपने बता दी, डागा हवेली भी आपने बता दी, बछावतों की हवेली आप भूल गए, रामपुरियों की हवेली आपने बता दी। तो आपको बछावतों की हवेली भी याद रखनी है, ठीक है। उदयपुर की हवेलियाँ, तो उदयपुर की हवेलियों में देखते तो मोहन सिंह जी की हवेली, किसकी हवेली? मोहन सिंह जी की हवेली। कहाँ पे मोहन सिंह जी की हवेली? उदयपुर में है। उसके बाद में बाफड़ा की हवेली कहाँ पे? तो उदयपुर बाग, उदयपुर में। बाफड़ा की हवेली उदयपुर में, और बागोर हवेली का तो आपको पता है वैसे भी, तो ये उदयपुर में है। और पीपलियाँ की हवेली भी उदयपुर में। पीपलियाँ की हवेली कहाँ पे? उदयपुर में। तो मोहन सिंह की, बागोर की हवेली, पीपलियाँ की हवेली और बाफड़ा की हवेली उदयपुर में। अब चित्तौड़गढ़ की हवेलियाँ देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ की हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध है, मतलब बहुत प्रमुख है। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए। तो भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। उसके बाद में सलम्बू ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। दुर्गा रामपुरा ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और दुर्गा जयपाल फत्ता की हवेलियाँ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो आपको जो स्पेशल हवेली ध्यान रखनी है वो भामाशाह की हवेली ध्यान रख ली चित्तौड़गढ़ में। तो वो कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, फोर्ट के अंदर है। और उदयपुर की बागोर की हवेली और मोहन सिंह की हवेली उदयपुर में है। और बीकानेर हवेली तो आपको पता ही है वैसे भी। अगले प्रश्न में चलते हैं। मांगी लाल मिस्त्री, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? रावण हत्ता, पुंगी, सेनाई या कावड़? तो इसका आंसर होगा जो मांगीलाल जी मिस्त्री साहब है, इनका संबंध कावड़ कला से है। ठीक, किससे है? कावड़ कला से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कावड़, कावड़ क्या है? कावड़ एक तरह से कह सकते हैं मोबाइल टेम्पल है। क्या है? मोबाइल टेम्पल। मोबाइल टेम्पल माने चलता फिरता मंदिर, मतलब मंदिर, ऐसा मंदिर जिसे कहीं भी ले जाओ। तो देखो, काष्ठ कला से बनता है कावड़, काष्ठ से बनती है ना कावड़। और कहाँ का कावड़ कला, कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो चित्तौड़ में एक गाँव पड़ता है, बस्ती गांव, वहाँ की कावड़ पूरे जगत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कावड़ में जो रंग उपयोग किए जाते हैं, तो देखो, एक तो लखारी नाम रंग उपयोग किया जाता है, लखारी रंग का नाम है लखारी। और लखारी कौन से रंग को कहते हैं? लाल रंग को लखारी कहते हैं। उसके बाद में एक हड़तल रंग, हड़तल माने हरा। एक प्यावड़ी रंग, प्यावड़ी का मतलब होता है पीला। एक काजल रंग यानी काला, और सेलू नीली मतलब नीला कलर। इन रंगों की आकृतियों से चित्र अंकन किए जाते हैं। और कावड़ का निर्माण कौन से जाति के सुतारों के द्वारा किया जाता है? तो खेरादी जाति के, खेरादी जाति के सुतारों के द्वारा ये कावड़ कला का निर्माण किया जाता है, कावड़ का निर्माण किया जाता है। तो क्या क्या निकाल के लेके जाएंगे यहाँ डेवलपमेंट हम यहाँ से, कि मांगेलाल जी मिस्त्री का संबंध कावड़ कला से है, बस्ती गांव की कावड़ कला विश्व में प्रसिद्ध है, कावड़ क्या होता है तो एक चलता फिरता मंदिर कह सकते हैं या मोबाइल टेम्पल कह सकते हैं, और जिस इसमें जो रंगों का उपयोग किया जाता है वो लाल, हरा, पीला, नीला और काला मुख्य रंग है, बाकी सफ़ेद भी रंगों का उपयोग किया जाता है। लाल रंग को लखारी कहते हैं, हरा को हड़तल और पीला को प्यावड़ी, काजल को काला और सेलू नील नीला को कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शैलाश्रय के संबंध में क्या असुमिलित है? यानी बाकी तो सुमिलित है लेकिन एक असुमिलित है। तो अलानिया झालावाड़ में, बेराट जयपुर में, दर भरतपुर में या दर्रा कोटा में? तो देखो, इसके जो अलानिया है ना वो कहाँ पे है? वो कोटा में, ना कि झालावाड़ में। तो पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था, असुमिलित बताना था। तो ये झालावाड़ में ना होके कहाँ पे है अलानिया? अलानिया कोटा में। बेराट जयपुर में है, बिल्कुल सही है। दर भरतपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। और दर्रा कोटा में, ये भी सही है। तो अलानिया कहाँ है? अलानिया कोटा में है, ना कि झालावाड़ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कसुमल कौन सा रंग होता है? लाल रंग, काला रंग, सफेद रंग या हरा रंग? तो कसुमल है वो किस रंग को कहते हैं राजस्थान में? तो जो अपना लाल रंग होता है ना, इसे राजस्थान में कसुमल रंग कहते हैं। देखो, राजस्थान में एक कहावत चलती है कि मरुधर थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला, एक मरवड़ और तीजो कसुमल रंग। तो इसमें जो कसुमल रंग का नाम आया है, वो कसुमल रंग का तात्पर्य क्या है? तो इस कसुमल रंग का तात्पर्य होता है लाल रंग। तो जो आपके सामने ये वाला जो मैं दिख रहा है ना, ये जो रंग है, ये कैसा रंग है? ये कसुमल रंग है, ठीक है। अगले, और आपके सामने ढोला मरवड़ तो दिख रहे हैं। निम्न में से किस लहरिए का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है? कौन से लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है? प्रतापशाही लहरिया, राजशाही लहरिया, समुद्र लहर या विजयशाही लहरिया? तो साहित्य में उल्लेख मिलता है वो है अपना प्रतापशाही लहरिया। जो प्रतापशाही लहरिया है ना, है ना, मतलब जो सरर कैसा वो
सॉन्ग भी है ना, तो आप समझ सकते हो जो प्रताप शाही लहरिया है वो उसका उल्लेख साहित्य में मिलता है। तो लहरिया उसी लहरिया की बात कर रहे हैं जो सॉन्ग में आया हुआ है। संत मावजी के प्रसिद्ध ग्रंथ चोपड़ा को कब बाहर निकाला जाता है, यानी जो संत मावजी का ग्रंथ है चोपड़ा कहते हैं जिसे, तो ये प्रश्न तो एक तो ये क्लियर हो गया कि चोपड़ा कौन से संत से संबंधित ग्रंथ है, तो संत मावजी से संबंधित है। और ये कब बाहर की तरफ कब निकाला जाता है, गणगौर के अवसर पर, दीपावली पे, दशहरा पे, तीज पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिवाली के अवसर पर। जब अपने दिवाली होती है ना, दीपावली होती है, तब जो संत मावजी का प्रसिद्ध ग्रंथ है चोपड़ा इसको बाहर निकाला जाता है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संत मावजी महाराज पता ही है हमें वागड़ के महान संत थे, और आज से लगभग 300 साल पहले माही सोम और जाखम नदी के संगम जो संगम है जिसे हम क्या कहते हैं बेणेश्वर कहते हैं, वहां पे उन्होंने तपस्या की थी, और इसके द्वारा इनके द्वारा जनजाति समाज में सामाजिक चेतना जागृत करने के प्रयास किए गए। और उन्हीं की याद में बेणेश्वर धाम पे, जो त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, कौन कौन सी नदियाँ हैं, माही सोम और जाखम नदियाँ, वहाँ पे एक मेला भरता है, और कब भरता है, माघ महीने की पूर्णिमा को, कौन से महीने की, माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है ना, तब ये बेणेश्वर मेला भरता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। और बेणेश्वर मेला पता ही है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला ही है, जो माही जो सोम और जाखम नदियों के संगम पे भरता है। धोड़ीधूप गाँव का संबंध किस संप्रदाय से है, चरणदासी, लालदासी, नाथ संप्रदाय, दादूबंदी संप्रदाय, तो जो धोलीधूप गांव है उसका संबंध कौन से संप्रदाय से है, लालदासी संप्रदाय से। ठीक है, और निम्न में से किस ग्रंथ की रचना संत जाम्बोजी के द्वारा नहीं की गई, जम्ब संहिता, जम्ब सागर, शब्दावली, विष्णोई, धर्म प्रकाश, चित्ताग्नि, चितावनी, तो देखो जो चितावनी ग्रंथ है वो जाम्बोजी द्वारा नहीं रचा गया, किसके द्वारा रचा गया, वो पीपाजी महाराज के द्वारा रचा गया था, किसके द्वारा, पीपा जी के द्वारा इसकी चेतावनी ग्रंथ की रचना की गई थी। बाकी जम्ब संहिता, जम्ब सागर, शब्दावली और विष्णोई धर्म प्रकाश, ये इन ग्रंथों की रचना किसने करी है, तो जाम्बोजी महाराज है, इन्होंने इन ग्रंथों की रचना करी है, जम्ब संहिता की, जम्ब सागर, शब्दावली की और विष्णोई धर्म प्रकाश की रचना जाम्बोजी महाराज के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो अकबर का सूबेदार था मानसिंह, बिल्कुल था, और कहाँ कहाँ का सूबेदार उसको नियुक्त किया, तो काबुल, बिहार, बंगाल, ये इन सारी जगह, इसका आंसर होगा अकबर द्वारा मानसिंह को काबुल का सूबेदार भी बनाया गया, बिहार का सूबेदार भी बनाया गया और बंगाल का सूबेदार भी बनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जगह के सूबेदार मानसिंह जी को अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुशाल सिंह और मेक मोशन के मध्य जो चेलावास का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 8 सितंबर को, 18 सितंबर को, 28 सितंबर को या 7 सितंबर को, तो इसका आंसर क्या होगा, 18 सितंबर को, जो बिथोड़ा का तो 8 सितंबर को हो गया था, उसके बाद में 10 दिन बाद में कौन सा युद्ध हुआ था अंग्रेजों और कुशाल सिंह के बीच में, तो चेलावास का युद्ध हुआ था, और कौन आया था अंग्रेजों की तरफ से, तो मेक मोशन आया था, तो कब हुआ था ये, 18 सितंबर 1857 को ये चेलावास वाला युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भरतपुर में जाट राज्य के संस्थापक कौन थे, सूरजमल, चूड़ामण, बदन सिंह या राजाराम, तो भरतपुर में जो जाट राज्य उसके संस्थापक कौन थे, उसके संस्थापक थे चूड़ामण जी, भरतपुर में जो जाट राजवंश उसके संस्थापक चूड़ामण जी को माना गया है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर ली, यानी प्रतिहार वंश के शासक थे और पहले इनकी कैपिटल थी मंडोर, और बाद में इन्होंने क्या किया, कैपिटल को मंडोर से कहां ले गए, मेड़ता ले गए, तो कौन थे वो, वत्सराज, भोजराज, नागभट्ट प्रथम या देवपाल प्रथम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो नागभट्ट प्रथम है इन्होंने अपनी कैपिटल मंडोर से कहां ले गए, मेड़ता ले गए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखो नागभट्ट प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल 730 से लेके 756 ईस्वी तक रहा था, और ग्वालियर प्रशस्ति में इनको मलेच्छो का नाशक कहा गया है, तो मलेच्छो का नाशक किसे कहा गया है, नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। किस अभिलेख से माध्यम से हमें पता चला, तो ग्वालियर प्रशस्ति के माध्यम से हमें यह पता चला है कि मल्लेच्छो का नाशक नागभट्ट प्रथम को कहा गया, और इनका शासन काल कब से कब तक रहा, तो 730 से लेके 756, यानी लगभग 26 साल तक इनका शासन काल रहा था। और
इन्होंने अरबों के शासक था जुनेद, उसको पराजित किया था, लेकिन इतना डीप नहीं आएगा। वत्सराज, वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी और पालवंश का जो, क्योंकि किसके किसके बीच में, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और जो बंगाल के पालवंश थे उनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, पालवंश का जो धर्मपाल है उसको हरा दिया था। किसने, वत्सराज जी ने। लेकिन बाद में जो ध्रुव था राष्ट्रकूट शासक, ध्रुव ने फिर वत्सराज को पराजित कर दिया। और बाद में इनके बाद में कौन शासक बने, तो नागभट्ट द्वितीय बने। नागभट्ट द्वितीय कब से कब तक शासक रहे, 800 से लेकर 833 तक। नागभट्ट द्वितीय 33 साल शासक किया, नागभट्ट प्रथम 26 साल शासन किया। नागभट्ट प्रथम ने मतलब जो अरबों को हराया था, इसलिए इनको मलेच्छों का विनाशक कहते हैं, ठीक है। और ये बात जो अपनी ग्वालियर प्रशस्ति उसमें उल्लेखित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष किसे माना गया है, राव सिहा, आस्तान, दोहड़जी या मालदेव। तो जो जोधपुर के राठौड़ है उनका मूल पुरुष माना गया है राव सिहा जी को। किसे, राव सिहा जी को। कह सकते हैं कि जो जोधपुर में राठौड़ राजवंश का मतलब जो संस्थापक है वो कौन है, राव सिहा जी है। और इन्होंने कब करी, तो लगभग 1261 के आसपास इन्होंने मारवाड़ राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। क्योंकि यहां की जो जनता थी वो मलेच्छों से परेशान थी, तो बाद में ये मतलब आए थे तीर्थ करने, तो इनसे निवेदन किया यहाँ की जनता ने कि हमें मतलब इन मलेच्छों से छुड़वाओ या इनसे मुक्ति दिलवाओ। तो इन्होंने वहीं रुक के मतलब उनको मलेच्छों को वहां से भगाया था और बाद में जो मारवाड़ राजवंश है उसकी नींव डाली थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 27 दिसंबर 1948 या 18 मार्च 1948। देखो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में संपन्न हुआ और इसका जो पहला चरण था वो कौन सा था, मत्स्य संघ के निर्माण के साथ राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था। और वो कब हुआ, तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण यानी मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें हैं, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें किसमें आ जाती है, तो अबधोक कहते हैं ना शॉर्ट में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मत्स्य संघ के भाग था। और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो पहला चरण तो हो गया 18 मार्च को, उसके 7 दिन बाद में यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ बनाया गया, उसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, शोभाराम जी कुमावत, गोपुल भाई भट्ट, गोकुललाल असावाई, हीरालाल शास्त्री। तो इसका आंसर होगा, जो 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का गठन हुआ था उसका प्रधानमंत्री बनाया था किसको, गोकुललाल असावा जी को। तो देखो, जो द्वितीय चरण था राजस्थान के एकीकरण का उसे हम राजस्थान संघ कहते हैं, उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था, तो देखो कोटा को तो राजधानी बनाया। कौन कौन सी रियासतें शामिल थे, तो कह सकते हैं टोंक शामिल थी, बूंदी शामिल थी, कोटा थी, उसके बाद झालावाड़ था, किशनगढ़ था, शाहपुरा थी और प्रतापगढ़ थी, डूंगरपुर थी, बांसवाड़ थी। तो जो साउथ वाली रियासतें हैं ना, ये वाली रियासतें शामिल थी, मतलब दक्षिण पूर्व की जो रियासतें थी। और उसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो गोकुललाल असावा जी को, गोकुललाल असावा जी जो शाहपुरा से संबंधित थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो कैपिटल भी कोटा को बनाया गया और राज प्रमुख भी कोटा के जो थे ना भीम सिंह जी उनको बनाया गया। उपराज प्रमुख, तो बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। और एक बड़ी बात बताऊं, ये जो बहादुर सिंह जी थे ये भीम सिंह के बड़े भाई थे, तो इसी कारण बाद में इन्होंने क्या कहा कि मुझे अपने छोटे भाई से नीचे रहना पड़ रहा है, तो इन्होंने उदयपुर रियासत को कहा कि आप एकीकरण में आओ। तो उदयपुर रियासत को एकीकरण में लाने में जो योगदान था, तो बहादुर सिंह जी का बड़ा योगदान था उसमें। अगले प्रश्न में चलते हैं, बिजोलिया में तलवार बंधाई लाग किसके द्वारा लगाई गई, कृष्ण सिंह, केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह या किसान सिंह। तो इसका आंसर है, जो बिजोलिया है वहां पे तलवार बंधाई लाग है वो पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना था और तलवार बंधाई कर उस पर लगता है वैसे, जो मेवाड़ के महाराणा को देना पड़ता था, लेकिन उसने क्या किया, उस टैक्स को स्विच कर दिया जनता पे। अब जनता पे हर बात का टैक्स जनता पे, ऐसा थोड़ी होता है, तो जनता ने उसका प्रतिरोध किया। तो देखो, 1897 में बिजोले किसान आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1897 के आसपास से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जो गंगाराम दाकड़ के पिता के मृत्यु बोझ पर गिरदारीपुरा गांव था एक, वहाँ पे सामूहिक विचार विमर्श के बाद नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर के ठिकानों के जुल्मों के खिलाफ, मतलब जो जुल्म हो रहे थे ना उनके लिए शिकायत करने के लिए उदयपुर के महाराणा के पास भेजा था। किसको किसको
भेजा नानजी पटेल को और ठाकरे पटेल को। कहाँ की मीटिंग में तय हुआ? तो गिरधरपुरा गांव की मीटिंग में तय हुआ। किस लिए इकट्ठे हुए थे वहां पे लोग? क्योंकि गंगाराम दाकड़े नाम के व्यक्ति थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उनका जो मोसर था ना, उस दिन सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। बाद में लेकिन वो गए, लेकिन बाद में क्या किया महाराणा ने, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। अब कृष्ण सिंह को यह बात पता लगी, अब कृष्ण सिंह बोले यार मेरे खिलाफ शिकायतें कर रहे हो, तो उसने क्या किया नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को ना गांव से निर्वासित कर दिया। और बाद में बोला कि यही नहीं रुका वो, बाद में उसने क्या किया, बाद में बोला यार तुम ज्यादा होशियारी कर रहे हो ना, तुम लोगों के पे एक कर लगाता हूं, कौन सा, चौंरी कर, है ना। तो चौंरी कर किसने लगाया? ये कृष्ण सिंह ने लगाया। तो किसान वैसे ही बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर थे, बाद में चौंरी करो लगा दिया। तो उन्होंने कहा भाई साहब देखो अपन ने तो आगे वाल शादियां कर रहे हैं अपनी बच्ची की, नहीं अपनी मतलब खेतीबाड़ी कर रहे हैं, अब कर लो जो करना है तो कर लो। अब मतलब वो पड़त छोड़ दी सारी जमीन, अब वो उसको झुकना पड़ा, वो उसका टेक नुकसान हो रहा था, उसने कहा छोड़ो यार हटा देते हैं इसके, बाद में उसने हटाया। बाद में कई लोग जैसे धीरे धीरे आंदोलन जोर पकड़ता गया, फतेहकरण चारण साहब, ब्रह्मदेव दधीच जी, नाथूलाल कामदार, रामजी लाल सुनार, साधु सीताराम दास, इन्होंने मतलब नेतृत्व को आगे आगे बढ़ाते गए। और बाद में धीरे 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 बढ़ता गया विजय सिंह पति के आने के बाद में, तो ये मतलब आंदोलन ने मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, निमूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925, 14 मई 1926, 14 मई 1927 या 14 मई 1928? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो निमूचना हत्याकांड है वो 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ? 14 मई 1925 को नीमूचणा हत्याकांड हुआ था। कौन सा हत्याकांड? नीमूचणा हत्याकांड। किसने दूधवा खारा आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया? नैनूराम शर्मा जी ने, बीरबल सिंह ने, सूरजमाल सिंह ने या हनुमान सिंह ने? तो जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है उसमें प्रमुख योगदान था हनुमान सिंह जी का। हनुमत सिंह कह सकते हैं, हनुमान सिंह कह सकते हैं, इनका दूधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित नेता थे, है ना। दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ कब? तो 1942 में हुआ। कब हुआ? 1942 में, यानी जिस साल भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना राष्ट्रीय स्तर पे, उसी साल राजस्थान में दूधवा खारा आंदोलन चल रहा था। और आंदोलन के नेतृत्व करने वाले, जो नेतृत्व करने वाले में कौन थे? एक तो हनुमान सिंह जी थे, एक न्योड़ाराम जी थे। कौन थे? न्योड़ाराम जी जारिया, इनका नाम था न्योड़ाराम जी जारिया। ये मतलब नेतृत्वकारी थे आंदोलन के। और ये किस रियासत से संबंधित आंदोलन था? तो बीकानेर राज्य से, रियासत से संबंधित आंदोलन था। दूधवा खारा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो दूधवा खारा वर्तमान में अपने राजस्थान का जो चूरू जिला है ना वहाँ पड़ता है, लेकिन उस समय कौन से रियासत से संबंधित था? तो बीकानेर रियासत से संबंधित था। किस साल में आंदोलन हुआ? तो 1942 में आंदोलन हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? प्रताप का, दैनिक नवज्योति, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान? तो इसका आंसर होगा कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जी ने दैनिक नवज्योति जो समाचार पत्र है, कौन सा? दैनिक नवज्योति, उसका संपादन किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? यानी आपने कोई मामला राज्य सूचना आयोग के पास ले गए, अब उनके निर्णय की अपील करनी है आपको, कहाँ करोगे? उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, दोनों जगह, कहीं नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है राज्य सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ आप अपील करना चाहते हो हाईकोर्ट में, करना चाहते हो हाईकोर्ट में कर दो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और लोक सूचना अधिकारी को एक महत्वपूर्ण बात है, जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो आप लोक सूचना अधिकारी से, तो उसको 30 डेज में यानी 30 दिन के अंदर अंदर ना इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपको। कितने दिन में इन्फॉर्मेशन देगा? 30 डेज में इन्फॉर्मेशन देगा। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण थे पहले, है ना, उसका विलय किस में कर दिया? जिला परिषद में कर दिया। कब किया? 2003 में, 2007 में, 2002 में या 2005 में? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में ग्रामीण विकास अभिकरण है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, उनका जो विलय है वो मर्जर है, वो किस में कर दिया? जिला परिषदों में। और ये 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसकी रिकमेंडेशन पे किया था? तो हरलाल सिंह जी खर्रा थे, इन इस समिति की रिकमेंडेशन पे जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है उसका विलय जिला परिषदों में कर दिया। और ये समिति कब की समिति है? समिति 1988 की समिति है, यानी इस समिति ने 1988 में कह दिया था कि ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कर दो, लेकिन इतने दिन तो किया नहीं, 2003 जब साल आया तब जाके इनकी बात मानी गई। अगले प्रश्न में चलते हैं। RPSC
है ना, इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? ललित पवार, एच सी सिंघारिया, अमर सिंह राठौड़ या महेंद्र चौधरी। तो इसका आंसर है एस सी सिंघारिया साहब, है ना, वो आरपीएससी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो एस के घोष साहब है, एस के घोष, ये आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन एस सी सिंघारिया साहब, एस सी सिंघारिया साहब है ना, ये क्या थे? आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। पहले पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? एस सी सिंघारिया साहब, ठीक है, एस सी सिंघारिया, याद रखो ये कार्यवाहक थे। लेकिन आपको ज्यादा माइंड पे स्ट्राइक किसको रखना है? एस के घोष साहब, ये आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने? हिंदू, जैन, बौद्ध या द्रविड़? तो माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर, हम सबको विदित है कि यह जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। कौन कौन से मंदिर है? तो उसमें विमल वसाई है, लुणो वसाई है, और विमल वसाई मंदिर है। ये किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया? तो देखो 1031 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1031 में। उस समय गुजरात के शासक थे भीमदेव सोलंकी, उनके एक मंत्री थे, उनके मिनिस्टर थे, मिनिस्टर का नाम था विमल शाह, उन्होंने ये विमल वसई मंदिर बनाया था। ठीक है, और एक लुणो वसई मंदिर है, लुणो वसई मंदिर 1230 में बना। लुणो वसई मंदिर 1230 में बना, वास्तुपाल और तेजपाल ने ये मंदिर का निर्माण किया था। किसने किया था? वास्तुपाल और तेजपाल ने लुणो वसई मंदिर का निर्माण किया था, 1230 में किया था, लगभग 200 साल बाद में। यानी विमल वसई मंदिर बनने के लगभग 200 साल हो गए थे, लगभग हो, मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में कौन सा मंदिर बना? विमल वसई के 200 के साल बाद में लुणो वसई मंदिर बना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ढूंढाड़ में काछवा वंश की स्थापना किसने करी थी? ढूंढाड़ में काछवा वंश की स्थापना किसने करी? तो छोड़ा सिंह ने, दुले राय ने, कल्हण ने, जय सिंह ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दुले राय जी है, इन्होंने ढूंढाड़ में काछवा वंश की स्थापना करी थी। कब करी? तो इन्होंने 1137 में इस वंश की स्थापना कर दी थी। इनको ही जो दुले राय जी, इनका दूसरा नाम है तेजकरण। क्या कहते हैं इनको? तेजकरण भी कहा जाता है। और ये संबंधित मूलतः कहाँ से थे? तो ये नरवर से संबंधित थे, यानी नरवर वाला जो एरिया है वहाँ से संबंधित थे। और 1137 में इन्होंने दौसा को अपनी कैपिटल बनाया। कब? 1137 को। और कुलदेवी क्या है काछवाओं की? तो जो जमवाई माता है वो काछवा राजवंश की कुलदेवी है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। एरिनपुरा छावनी में 1857 के विद्रोह कौन सी तिथि से प्रारंभ हुआ? हम बात कर रहे हैं किसकी? 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कौन से डेट को हुआ था? 12 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त या 23 जुलाई 1857? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। कब? 23 अगस्त 1857 को, ठीक है, अगस्त के महीने में हुआ था। और एरिनपुरा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो पहले तो वो देखो जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था, मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में ये एरिया पाली जिले में पड़ता बताया। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में अवस्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर? तो देखो नाम से जोधपुरा सभ्यता है तो जोधपुर में नहीं है, जोधपुर सभ्यता जयपुर जिले में अवस्थित है। कहाँ पे है? जयपुर जिले में। और कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई है? तो हम कहेंगे जो अपनी साबी नदी है ना, कौन सी नदी? साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता डेवलप हुई है और ये जयपुर शहर में, जयपुर जिले में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद बरदाई के अनुसार किस ऋषि के यज्ञ में परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति हुई थी? सॉरी, चंद्रप्रदाई क्या कहते हैं? चंद्रप्रदाई कहते हैं कि एक ऋषि हुए हैं, उनके यज्ञ में परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति हुई थी। कौन से ऋषि के यज्ञ में? वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम या शुक्राचार्य? तो इसका आंसर होगा जो ऋषि वशिष्ठ है, इन्होंने यज्ञ किया था, और जो मलेच्छ थे, जो मतलब परेशान करते थे साधारण जनता को, उनका खात्मा करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। और यज्ञ से चार मतलब निकले थे, जैसे परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य, और जो मतलब इन मलेच्छों को यहाँ से खदेड़ेंगे और यहाँ की जनता की रक्षा करेंगे। तो ये ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। और ऐसे यज्ञ के बारे में इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चंद बरदाई जी ने इसकी जानकारी दी है। वह हाड़ा चौहान शासक जिसे जहांगीर ने राम राजा और बुलंद राय की उपाधि दी, मतलब है तो वो हाड़ा चौहान शासक,
और लेकिन जहांगीर के दरबार में कार्य करते थे, उनको राम राजा और बुलंद राय की उपाधि जहांगीर ने दी। कौन थे, मतलब कौन से हड़ा शासक थे ऐसे? राव रतन सिंह, जय सिंह, भीम सिंह या प्रताप सिंह? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रताप सिंह, है ना। इनको जहांगीर ने राम राजा की, एक तो राम राजा की और दूसरी कौन सी, दूसरी बुलंद राय की, बुलंद राय की उपाधि प्रदान की थी। किसे? राव रतन सिंह जी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये बूंदी के शासक थे, हाड़ा शासक, बूंदी शासक। कर्नल टोड ने अपनी पहली पुस्तक किसे समर्पित की? भीम सिंह, राम सिंह, यति ज्ञानचंद्र या तुलसी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। किसे? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। किताब का नाम क्या है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक में सबसे पहले रायथॉन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जयपुर में जयराम पेशा कानून के तहत किस जाति को अपराधी घोषित किया गया था? सहरिया, भील, रासिया, मीणा? तो जयपुर में जयराम पेशा कानून है उसके तहत जो अपनी मीणा जनजाति है इसे क्या घोषित किया था? अपराधी घोषित किया था। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था और 1952 में जो एक्ट है ना इसे समाप्त कर दिया गया था राजस्थान में। कब समाप्त किया गया? 1952 में समाप्त कर दिया गया। बाद में इन्हें मतलब उस मतलब, वो तो अगर एक्ट ही खत्म हो गया तो बाद में अपराधी जाति कहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। और यह तो वैसे भी अंग्रेजों की मूर्खता थी। भांडासा जैन मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में, भरतपुर में? हम बात कर रहे हैं भांडासा जैन मंदिर की। तो भांडासा जैन मंदिर है वो बीकानेर जिले में। कहाँ पे? बीकानेर में। और सबसे बड़ी बात, ये मंदिर जब बनाया गया ना तो वहाँ पे उसकी नींव भरेगी, तो नींव में नारियल तो डाले गए, ठीक है, और बाद में पानी की जगह घी डाला गया। मतलब नींव भरने में पानी नहीं डाला गया, घी डाल के नींव भरी गई है। कौन सा मंदिर है? भांडासा जैन मंदिर। कहाँ पे है? बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन धर्म के जो पांचवें तीर्थंकर है सुमितनाथ जी, उनको समर्पित ये मंदिर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य का एकमात्र गंगा मंदिर कौन से जिले में? जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में, सिरोही में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतपुर है। वहां पे राजस्थान का एकमात्र गंगा जी का मंदिर है, ठीक है ना। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो देखो, इसका निर्माण स्टार्ट तो करवा दिया था 1845 के अंदर महाराजा बलवंत सिंह जी ने। किसने? बलवंत सिंह जी ने। लेकिन इसको बनने में 90 साल लग गए। तो इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापना करी थी, तो बलवंत सिंह जी के जो, जैसे मान लीजिए बलवंत सिंह जी हो गए, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5वीं पीढ़ी के बंदे हुए ब्रजेंद्र सिंह जी, इन्होंने गंगा माता की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करी थी, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाक का आभूषण नहीं है? यानी बाकी तो नाक के आभूषण है लेकिन एक है नहीं है, फीणी, खीवन, लाखनी या बेसरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो लाखनी है वो कान का आभूषण नहीं है, नहीं नाक का आभूषण नहीं है, वो हाथ का आभूषण है। तो हमारे सामने जो चित्र दिख रहा है कौन सा आभूषण है? इसे कहेंगे हम बेसरी। क्या कहेंगे? ये जो बेसरी कहाँ का आभूषण हो गया, इस प्रकार कह सकते हैं बेसरी नाक का आभूषण है, बिल्कुल कह सकते हैं। इसके बाद में ये कौन सा आभूषण है? ये है लाखनी आभूषण। कहाँ का आभूषण है? तो हाथ में पहना जाता है, मतलब जो लाख से बना होता है ना, लाख से बनी हुई चूड़ियाँ होती है वो लाखनी हो जाती है, तो वो हाथ का आभूषण हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोक देवता रामदेव जी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ? उड़ू काश्मीर, पोखरण, बीकानेर या सोनारगढ़? तो इसका आंसर क्या होगा? लोक देवता रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर में। उड़ू काश्मीर कहाँ पड़ता है? तो अपने बाड़मेर जिले में एक तहसील है, सिव तहसील, वहाँ पे गाँव है उड़ू काश्मीर, वहाँ पे रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? तो अजमल जी उनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम? तो मीणा दे, माताजी का नाम था मीणा दे। और इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? तो रूनीचा। रूनीचा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में, यहाँ इन्होंने समाधि ली थी। और यहाँ पे मेला कब पड़ता है? भाद्रपद पक्ष की शुक्ल पक्ष की दशमी को। भाद्रपद यानी भादवा का महीना होता है ना, उसके शुक्ल पक्ष की दशमी को ये मेला पड़ता है। किसका? रामदेव जी महाराज का। अगले प्रश्न में चलते हैं। जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पे? करतियासर, सालासर, सुजानगढ़ या फिर मोहनगढ़? तो जसनाती संप्रदाय के जो प्रधान पीठ है वो है अपने करतियासर में। कहाँ पे? करतियासर। इसका आंसर हो जाएगा। और देखो, जो जसनाती संप्रदाय है इसमें 36 नियम है। कितने नियम है? 36 नियम है। जाल वृक्ष को और मोर के पंख को पवित्र माना गया है। और 24 बाड़ियाँ है ना ये आश्रम यहाँ का, इनका मतलब ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और जो प्रमुख ग्रंथ है, ग्रंथ कौन कौन से है? तो सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म नहीं, संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जसनाती संप्रदाय से, अपने जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में पड़ता है,
किस महीने की पूर्णिमा को बढ़ता है, यानी चंद्रमा का मेला पूर्णिमा को बढ़ता है, ये बात तो हो गई। अब ये कहाँ बढ़ता है, झालावाड़ में बढ़ता है, और किस महीने की पूर्णिमा को, तो इसका आंसर होगा चित्र नहीं कार्तिक महीने की पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है, जो दिवाली को जो कार्तिक महीना होता है वो आधा महीना पूरा होता है तब तो दिवाली आ जाती है, और कार्तिक महीने का जो लास्ट दिन होता है ना उस दिन मेला बढ़ता है, वो कौन सा मेला होता है, वो होता है चंद्रभागा मेला। और अपना टेलीग्राम ग्रुप पे एक छोटा सा वीडियो शेयर किया हुआ है, लगभग दो महीने पहले शेयर किया होगा, तो वो किस वो वीडियो किससे संबंधित है, वो चंद्रभागा मेले से संबंधित है, और चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बढ़ता है, कब, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को बढ़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हस्तकला का केंद्र बोरनाडा कौन से जिले में, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, अलवर में, तो जो बोरनाडा है ना, बोरनाडा है अपने जोधपुर शहर में, बोरनाडा कहाँ पे, जोधपुर में, और किस लिए प्रसिद्ध है, हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। भैंसों का चितेरा कैसे कहा गया, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन दास बाबा, सुभागमल गहलोत, परमानंद चोयल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी परमानंद चोयल साहब को भैंसों का चितेरा कहते हैं, किसे, परमानंद चोयल को, चोयल साहब को भैंसों का चितेरा कहते हैं, भूर सिंह जी को कहते हैं गांव का चितेरा, भूर सिंह जी को क्या कहते हैं, गांव का चितेरा कहते हैं, इसके बाद में भीलों का चितेरा कहते हैं गोवर्धन दास बाबा को, बाबा जी है वो भीलों के चितेरे हैं, और नीड का चितेरा सुभागमल गहलोत जी को है, नीड का चितेरा कहते हैं, और भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं, तो भैंसों का चितेरा कहते हैं परमानंद चोयल साहब को। अगले प्रश्न में चलते हैं, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कहाँ पे, आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 333 में, तो राज्यपाल साहब की जो क्षमादान करने की शक्ति है वो आर्टिकल 161 में दे रखी है, यानी राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, बिल्कुल है, कौन से अनुच्छेद में इस प्रकार की शक्ति दे रखी है, तो आर्टिकल 161 में इस प्रकार की शक्ति दे रखी है। और राज्य की विधि के तहत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार है, प्रतिलंबन करने का अधिकार है, विराम करने का अधिकार, परिहार करने का अधिकार, और लघुकरण अधिकरण का अधिकार भी किसके पास में है, राज्यपाल साहब के पास में है, और कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल 161 के तहत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, PMEGP की शुरुआत कब हुई, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, 2005, 2006, 2007 या 2008, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2008 में PMEGP की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। मोस्टली ये प्रोग्राम है वो MSME से संबंधित है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से संबंधित है। और देखो अभी एक KVIC online.gov.in पोर्टल की शुरुआत की गई, कौन से पोर्टल की, KVIC online.gov.in पोर्टल है, इसकी शुरुआत की गई, कब की गई, ये 2016 में की गई, 1 जुलाई 2016 को KVIC online.gov.in नाम का जो पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और PMEGP की शुरुआत 2008 में की गई, और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब MSME सेक्टर को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कितनी प्रतिशत विकलांगता वाले किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का पात्र होता है, मतलब मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का पात्र होने के लिए कितने प्रतिशत विकलांगता होती है, मतलब अनिवार्य होती है, तो इसका आंसर 60, 30, 40 या 50, तो आंसर होगा अगर कोई व्यक्ति 40% विकलांग है तो उसे इस योजना में पात्र माना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं ना, उसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना के कौन कौन से घटक हैं, तो देखो DNT को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण आवश्यक है, बिल्कुल है, स्वास्थ्य बीमा आवश्यक है, बिल्कुल है, आजीविका और आवास आवश्यक है, ये भी है, इसका मतलब ये सारे सेक्टर में सशक्तिकरण होना चाहिए ना DNT का, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंडों में कौन सा राजस्थान कृषि अनुसंधान के संस्थान के प्रभाव क्षेत्र में आता है, तो देखो ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, आपको कृषि जलवायु प्रदेश पता है राजस्थान में, ठीक है, 1A, 1B, 1C, बाद में 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, है ना, तो अब बताओ जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये दुर्गापुरा में है ना, और दुर्गापुरा कहाँ पे, अपने जयपुर में, और जयपुर कौन से में आता है, तो जयपुर आता है भाई साहब 3A में, 3A में कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो अपना जयपुर आ गया, उसके बाद में एक अजमेर आ गया, अजमेर के बाद में एक दौसा आ गया, दौसा के बाद में एक टोंक आ गया, तो इस प्रकार ये चार जिले किस में आते हैं, ये 3A जो कृषि जलवायु प्रदेश उसमें आते हैं, और क्योंकि देखो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस में आता है, जयपुर जिले में, और जयपुर जिला किस में आता है, 3A में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने क्या कहा, थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है।
है ना इस, लेकिन आपको परीक्षा में एकदम अपने आप को शांत रखना है, और ट्रिकी आए तो क्या ही फर्क पड़ता है, आप तो उससे ज्यादा ट्रिकी हो, एग्जामिनर से ज्यादा ट्रिकी तो आप हो, तो आप उसके मतलब किसी भी जाल में आप फंसने वाले, किसी भी ट्रैप में आप फंसने वाले नहीं हो, इस बार तो आप रिटर्न लेके रहोगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ, ज्ञान कीर्ति स्तंभ, फतेह प्रकाश महल या दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका आंसर होगा भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं विजय स्तंभ को, किसे कहते हैं, विजय स्तंभ को कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। मालवा का सुल्तान था, उस पर विजय प्राप्त करने की खुशी में कितना 37.19 मीटर ऊंचा है, और कब बनवाया 1448 में बनवाया, कब बनवाया है 1448 में बनवाया है, किसको समर्पित है, तो विष्णु भगवान को यह समर्पित है, किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को यह समर्पित है। कितने मंजिला है, तो 9 मंजिला है भाई साहब, कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल के सामने एक खुला हुआ छज्जा है, और स्तंभ के ऊपरी तल तक पर जाने हेतु अंदर ही सोपान यानी अंदर के अंदर सीढ़ियां बनी हुई, उसके द्वारा आप अगली मतलब मंजिल से अगली मंजिल जा सकते हो। और सबसे जो ऊपरी तल है ना, उसमें मतलब जो मेवाड़ के जो शासक है राणा हम्मीर से लेके राणा कुंभा तक वंशावली है, क्योंकि कुंभा जी ने बनवाया तब तो वहाँ तक ही होगा, तो हम्मीर से लेके कुंभा तक की वंशावली वहाँ पे उत्कीर्ण है, और संपूर्ण स्तंभ वास्तुशिल्प से आच्छादित है। इसमें देवी देवताएं, ऋतु, शास्त्र, वाद्य यंत्र और देवता उत्कीर्ण हैं, और देवी देवताओं के नाम भी उत्कीर्ण है। पांचवी मंजिल पर स्तंभ का वास्तुकार है जेता, और उसके तीन पुत्र नापा, पूजा और पोमा, इनके नाम भी उत्कीर्ण है। तो मतलब जो स्तंभ के वास्तुकार कौन है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो स्तंभ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, पांचवी मंजिल पे। किसके बारे में वर्णन किया हुआ है, तो जेता के बारे में, नापा, पूजा और पोमा के बारे में वर्णन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि जो इसके वास्तुकार कौन थे, जेता, नापा, पूजा और पोमा इसके वास्तुकार थे। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहते हैं, जिसे 1448 में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, खंडेला नगर की स्थापना राजपूतों की किस शाखा के द्वारा की गई, देहड़ राजपूत, दैया राजपूत, डालिया राजपूत या फिर गुर्जर प्रतिहार। तो इसका आंसर होगा जो खंडेला नगर है सीकर में, उसकी जो स्थापना है वो डालिया राजपूतों की शाखा के द्वारा की गई, किसके द्वारा, डालिया राजपूत के द्वारा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तेरहताली, कालबेलिया, कत्थक या घूमर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो घूमर है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है। और पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, मतलब पैरालंपिक खेल हुए उसमें 2 गोल्ड मेडल जीत लिए और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर, देवेंद्र झांझड़िया या अवनी लेखरा जी। तो इसका आंसर होगा जो अपने देवेंद्र झांझड़िया है ना, चूरू जिले से संबंधित है, इन्होंने पैरालंपिक में 2-2 गोल्ड मेडल जीत लिए, कितने गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल, और पूरे मतलब भारत में ऐसे करने वाले पहले भारतीय थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रोसेपिस सिनेरेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है, नीम का, खेजड़ी का, बबूल का, आम का। तो प्रोसेपिस सिनेरेरिया जो नाम है वो अपनी जांटी का है, जांटी किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके सामने जो पेड़ दिख रहा है ये कौन सा पेड़ है, तो आप सभी विदित हो इससे, क्योंकि आपके लगभग सभी के खेतों में ये पेड़ तो दिख ही जाएगा, कौन सा पेड़ है, ये जांटी है अपनी, और खेजड़ी भी कहते हैं इसे, इसे हम प्रोसोपिस सिनेरेरिया भी कहते हैं, इसे समी भी कहते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी नौकायन से संबंधित है, यानी कौन खिलाड़ी है जो नौकायन खेल खेलते हैं, नौकायन मतलब पानी के अंदर जो नाव चलती है उसको दौड़ाते हैं, तो कौन है, बजरंगलाल ताकर, रजत चौहान, कृष्णा नागर या लिंबाराम। तो इसका आंसर होगा जो बजरंगलाल जी ताकर साहब है ये नौकायन के खिलाड़ी, किसके खिलाड़ी है, नौकायन के खिलाड़ी, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सेवा कौन सी सेवा है, ई मित्र, सीएससी, ई लर्निंग या ई गवर्नेंस। तो कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुगम ऑनलाइन पोर्टल का संबंध किससे है,
डीपीईपी से, समसा से, रमसा से, सर्व शिक्षा अभियान से। तो सुगम ऑनलाइन पोर्टल है उसका संबंध है सर्व शिक्षा अभियान से। कब शुरू किया गया सुगम पोर्टल? तो सुगम पोर्टल शुरू किया गया था 28 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा? तो भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, अभी इसको क्या कहते हैं, अभी हम इसको शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, और इसने सुगम पोर्टल का लॉन्च किया था, है ना। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करना, है ना। अच्छा, सुगम में क्या क्या मतलब है सुगम का? तो जो सह होता है, सह का मतलब है साला, ठीक है, और मतलब सुगुण, सुगुण है या सुगम नहीं, सुगुण, और गन का मतलब है गुण, गुणवत्ता, मतलब साला की गुणवत्ता से संबंधित ये प्रोग्राम चलाया गया है, और सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है। 2019 में चलाया गया 28 अगस्त को, और जो अपना वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, उस समय जब चलाया था तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रभावी हुआ? कौन सा अधिनियम? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 या 1 अप्रैल 2012? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कब से लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य के सभी राजकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जन सहभागिता के आधार पर विकास करने के लिए और स्कूल की प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गठित निकाय, यानी कौन सी संस्था है जो राज्य के अंदर जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वो जन सहभागिता के आधार पर उसमें विकास करने की बात करी गई है? तो सर्व शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, स्कूल प्रबंधन समिति है, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली है। तो इसका आंसर होगा एसएमसी बोले तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल प्रबंधन समिति, और इसका उद्देश्य क्या है? विद्यालय की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। राजस्थान सरकार की महिला और बाल विकास विभाग की निम्न में से कौन सी योजना ड्रॉपआउट लड़कियों को शिक्षित करने से, यानी लड़कियां ड्रॉपआउट का क्या तात्पर्य होती है कि लड़कियां या बच्चियां हैं अपनी, वो अपनी स्टडीज को कैरी नहीं कर पाती, वो मतलब आगे की पढ़ाई जारी नहीं रखती, तो इसे कहते हैं ड्रॉपआउट, है ना। तो महिला और बाल विकास विभाग है ना और राजस्थान सरकार, इन्होंने मिलके कौन सी योजना लाई है कि ताकि वो ड्रॉपआउट रेट को कम कर सके और बच्चों को शिक्षित कर सके? तो शिक्षा सेतु योजना, कौशल सामर्थ्य योजना, इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन योजना या कोई नहीं, इसे कहते हैं शिक्षा सेतु योजना। इस संबंध में जो योजना लाई गई है ना, जो बच्चियों की जो ड्रॉपआउट रेट है या ड्रॉपआउट ड्रॉपआउट लड़कियाँ यानी जो पढ़ाई छोड़ चुकी है, तो उनको आगे शिक्षित करने के लिए शिक्षा सेतु योजना लेके आई है महिला और बाल विकास विभाग और राजस्थान सरकार। विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? यानी कोल और ब्रूस साहब ने विकास की एक अवस्था है उसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो बाल्यावस्था है उसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है। एक प्रक्रिया जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, समायोजन, समाजीकरण या सभी? तो बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है उसे क्या कहेंगे? उसे सामाजिकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिकरण कहेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। बाकी कौन कौन से हो गए? समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन है वो वंशानुक्रम के नियम है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा, तो जो अभिप्रेरणा है वो नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी आप लगातार अभ्यास कर रहे हो उसके कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया उसे क्या कहेंगे? वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम या अभिप्रेरणा? तो इसे कहेंगे हम अधिगम। क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे, यानी आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो जिसके कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, इसे हम कहेंगे अधिगम। और हम करके सीखते हैं ये किसने कहा? योकम, सिम्पसन, डॉक्टर महेश या कॉलेसनिक? तो इसको हम करके सीखते हैं ये सिम्पसन साहब ने कहा था। किसने कहा? सिम्पसन साहब का ये कथन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शेपिंग की संकल्पना किसने दी है? थोंडाई, पावलोक, स्किनर? तो इसका आंसर क्या होगा? शेपिंग की संकल्पना दी है स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने शेपिंग की संकल्पना दी है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक
परीक्षण के हस्तांतरण में मदद नहीं करता। कौन सा कारक है जो परीक्षण के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता या थकावट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थकावट है वो परीक्षण के हस्तांतरण में मदद नहीं करता। इच्छा शक्ति करती है, उचित वातावरण करता है, परिपक्वता करता है। ये तो तीनों पॉजिटिव चीजें होगी, जो अलग चीज है नेगेटिव है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो कौन सी है? वो थकावट है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि बाह्य प्रेरणा का एक अंत है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत, एक अंत या कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अपने आप में एक अंत है। यह क्या कह रहा है कि बाह्य प्रेरणा एक अंत है तो जो आंतरिक प्रेरणा वो क्या होगी? वो अपने आप में एक अंत होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य से, संवेगात्मक बुद्धि से, सृजनात्मकता या व्यक्तित्व से? हम बात कर रहे हैं डेनियल गोलमैन की। और किससे संबंधित है डेनियल गोलमैन साहब? ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नाम ही गोलमैन साहब है लेकिन संबंधित किससे हैं? संवेगात्मक बुद्धि से हैं। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? केनर, डाउन, स्किनर या सिगमंड फ्राइड? तो इसका आंसर होगा ऑटिज्म की सबसे पहले व्याख्या की थी केनर साहब ने। किसने करी? ऑटिज्म की सबसे पहली व्याख्या केनर साहब ने करी है। ईमेल क्या है? इंजीनियरिंग, इंटरनेट मेलिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ई कॉमर्स या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ईमेल का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या तात्पर्य होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ईमेल का तात्पर्य इनमें से कोई सा नहीं है, ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद, यानी दस्तावेज में आपने कोई बुकमार्क डाला और बुकमार्क डालने के बाद आप क्या बना सकते हो कि आप उस स्थान से दूसरे स्थान को संदर्भित कर सकते हो? इसे क्या कहेंगे? क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, हेडर फुटर या मेल मर्ज? तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए पर्टिकुलर जगह बुकमार्क डाला, अब आप किसी दूसरे पेज पे हो, वहां पे आपको वहां पर रेफरेंस देके वहां पे जा सकते हो आप, इसे कहेंगे क्रॉस रेफरेंस। यानी आप किसी थर्ड पार्टी के पेज पे हो, वहां पे आपको रेफरेंस पे क्लिक किया, वो सीधा आपके उस पर्टिकुलर बुकमार्क पे आ गया, तो उसे कहेंगे क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? तो रिलेशनल आधारित संरचना, ए सी आई डी गुण, कम रेडिडेंसी या विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा, देखो एक्सेल है ना, वो एनिमेशन नहीं प्रदान करता। एनिमेशन कौन प्रदान करता है? एनिमेशन पावर पॉइंट प्रदान करता है, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बहुत टफ प्रश्न हो लेकिन उसमें एक लाइन ऐसी हो जो आपको एग्जैक्टली पता है, है ना, और वो उसका उत्तर हो, तब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत क्या है, उसी को राइट लगा दो। अगले प्रश्न में चलते हैं। का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, यानी विंडो है उसे दो भागों में बांटना है आपको, है ना, ताकि आप एक, यानी स्क्रीन एक है, आप दो विंडो एक साथ देख सको। इसे क्या कहते हैं? मैक्रोज, स्प्लिट विंडो, न्यू विंडो, ग्रिड लाइन? तो इसे कहेंगे हम स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक विंडो है, इसमें आप मान लीजिए आपने आधे पार्ट में तो ये वाली स्क्रीन चला ली, आधे पार्ट में आपको दूसरी स्क्रीन चला लो, है ना, तो इसे क्या कहेंगे? स्प्लिट विंडो कहेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विंडो 10 में वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है, यानी पहले तो देखो विंडोज़ का जो इंटरनेट जो वेब ब्राउजर आता था वो कौन सा आता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, ठीक है, लेकिन अब क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को तो कर दिया है बंद, और इसकी जगह कौन सा आ गया है? यूसी वेब, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला या फिर ओफेरा? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है। यानी पहले बाय डिफॉल्ट जो विंडो के साथ वेब ब्राउजर आता था उसके नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को तो बंद कर दिया और इसकी जगह नया वेब ब्राउजर लेके आया माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना। तो वैसे भी पहले भी जो ये काम नहीं करता था सही तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, आपने याद है आपने कभी काम किया हो? नहीं किया ना। तो आप क्या यूज करते हो? क्रोम यूज करते हो, ओपेरा यूज करते हो, मोजिला यूज करते हो, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर तो नहीं करते थे। बाद में माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, क्या करते हो आप? नहीं करते, लेकिन इसको करते हैं कौन? करते हैं जो सरकारी कंपनियां होती है, जो बैंक होते हैं, जो ट्रस्टेड है ना एक्चुअली, इस कारण। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो ही गया। एमएस एक्सेस 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? एमएस 2010 है, एमएस एक्सेस उसमें इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? यस नो डुप्लीकेट या यस डुप्लीकेट ओके या सभी? तो इसका आंसर होगा ये सभी है ना, इंडेक्स प्रॉपर्टी है किसमें? एमएस एक्सेस 2010 में नो भी है, यस नो
और डुप्लीकेट्स, यस डुप्लीकेट्स ओके, ये सारी प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टी एमएस सक्सेस 2010 में पाए जाते हैं। इस प्रकार वीडियो को हमने मतलब पेपर का जो पार्ट है जो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है उसको कंप्लीट कर लिया है, और इसका दूसरा पार्ट जो एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए वो हम कल डाल देंगे। और उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो लगातार पढ़ते रहे, लगातार बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना ना भूले। थैंक यू।